इंडियन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स अक्सर रीजन के अंदर इंडिया के घटते हुए असर का जिम्मेवार चाइना को करार देते रहे। वो कहते हैं असल में चाइना बीच में टांग अड़ा रहा है और उनके बढ़ने की वजह से, उनके असर बढ़ने की वजह से हमारा इन्फ्लुएंस रीजन में डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन एक ऐसा बड़ा फैक्टर है जिसको आसानी के साथ इंडिया के जो एनालिस्ट हैं वो स्किप कर देते हैं या जिसको वो ज़्यादा टच नहीं करते, उस पर ज़रा आज बात करते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर आप देख रहे हैं कि इंडिया को सेटबैक्स मिले हैं, खासतौर पर नेवल जो बेसिस उन्होंने बनाए हैं कई मुल्कों के अंदर, तो इस हवाले से उनको पैदर पे एक के बाद एक सेटबैक्स मिले हैं। श्रीलंका के अंदर भी उनको डिजायर्ड रिजल्ट्स हासिल नहीं हो सके, और इसी तरह से मालदीव्स के अंदर सबसे बड़ा उनको सेटबैक रिसेंटली मिला है कि उनका एक सेट शुदा बेस था, वहाँ पर एस्टेब्लिश्ड बेस था जो कि यूज होता रहा लंबे अरसे तक, वो ख़त्म हुआ है। वहाँ से उनकी मिलिट्री जा रही है वापस और उनकी जो एक्टिविटीज थी वहाँ वो बहुत ज़्यादा लिमिट हो गई हैं। अब इस बेस के बारे में आप देखिए कि चाइना को तो ब्लेम कर ही रहे हैं इंडियन एनालिस्ट, जो कि रॉन्गली ब्लेम कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन मोदी सरकार की सबसे बड़ी गड़बड़ को वो डिस्कस ही नहीं कर रहे। देखें, इन्होंने जो एग्रीमेंट्स किए हैं ना रीजन के, सिर्फ मालदीव नहीं, रीजन के बहुत सारे और भी मुल्कों के साथ, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उसके अंदर एक पब्लिक के साथ, वहाँ की जो लोकल पब्लिक्स हैं जहाँ जहाँ पर भी ये गए हैं, उनके साथ इन्होंने एक तरह का धोखा किया है, फ्रॉड किया है एक तरह का। वो फ्रॉड यूं किया है कि ये पहले एक चीज को डिनाई करते रहे, कई सालों तक ये डिनाई करते रहे हैं, लेकिन फिर अचानक से ये कोई बड़े दावे कर देते हैं जो कि टोटल ही उलट होते हैं इनकी इतने साल से दी गई एक्सप्लेनेशंस के हवाले से। मालदीव्स में लंबे अरसे तक कहते रहे हमारा कोई बेस नहीं है, हमारी कोई मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है, लंबे अरसे तक उनके लोगों को बताते रहे, लेकिन फिर अचानक से मिलिट्री बेस भी नमूदार हो जाता है और अचानक से लोगों को यह भी पता चलता है कि देखें यहां पर तो इंडियन मिलिट्री खड़ी हुई है मालदीव के अंदर। एज अ रिजल्ट पब्लिक सेंटीमेंट्स इंडिया के खिलाफ होते हैं और इंडिया आउट कैंपेन्स स्टार्ट होती हैं। मैं आपको जरा यह बता दूं, ये जो मॉरिशस के अंदर रिसेंटली इंडिया ने बेस बनाया है इस पे मैं बात करता हूं, यहां पर भी कुछ वैसा ही हुआ है और इसी तरह की चीज सेशल्स के अंदर भी हुई थी। वहां पर एक आइलैंड है जिसका नाम है अजम्पशन आइलैंड, तो उसके ऊपर इंडियन नेवी ने बेस बनाने का इरादा किया था और काफी हद तक उनकी बातें वहां पर उस वक्त की सरकार के साथ तय भी हो गई थी, डील भी तकरीबन फाइनल होने वाली थी, लेकिन फिर वहां पर इंडिया आउट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी एक तरह की, नाम उसका कुछ आप दूसरा दे दें, लेकिन इस बेस के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी और उस मूवमेंट की वजह से इंडिया को अपने जो प्लान्स थे वो कैंसिल करने पड़े थे। हालांकि इंडिया उस वक्त भी कहता रहा कि हम कोई बेस नहीं बना रहे यहाँ पर, लेकिन बेसिकली वो यहाँ पर बेस ही बना रहे थे। और फिर वहाँ पर जिस बंदे ने इस बेस की मुखालफत की थी, इंडिया के बेस की मुखालफत की थी, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में जीत के आता है और उसके जीत के आने की वजह से, यानी ये उनका मोहम्मद मुइज़, जैसे मालदीव्स के अंदर जीत के आना तो ये उनका मोहम्मद मुइज़ था और इसका नाम है वेवल रमाकलन, ये इनका मौजूदा प्रेसिडेंट भी है। इस बंदे की जीत के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी था, सॉवरेनिटी का मसला इसने उजागर किया पब्लिक के सामने कि देखें ये हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क की एक सॉवरेनिटी है, तो बाहर की किसी फोर्स को हम यहाँ पर बेस बनाने नहीं देंगे। तो वेल रमाकलन जो है वो जीत गए इस बेसिस पे कि मैं यहाँ पर किसी को बेस बनाने नहीं दूंगा। एज अ रिजल्ट इंडिया को यहाँ से बोरिया बिस्तरा लपेट के जाना पड़ा था सेशल्स के अंदर से। यानी ये सारा इंडिया इस वक्त जो मालदीव्स के अंदर फोकस करके बैठा है उनको थोड़ा सेशल्स भी पढ़ना चाहिए। वहां पर भी यही चीज रिपीट हुई थी, एग्जैक्टली यही हुआ था, फर्क सिर्फ इतना है कि वहां बेस जो था वो अभी इनिशियल स्टेजेस में था, बना उसका यानी बना ही नहीं था, उसकी कोई कंस्ट्रक्शन भी इतनी ज्यादा कोई हम नहीं कह सकते कि शुरू हुई थी, कोई ज्यादा इतना काम इस पर आगे बढ़ा नहीं था, लेकिन अजम्पशन आइलैंड के ऊपर बनाने का प्लान जरूर था इंडियन नेवी का, तो वहां पर वो धपड़ दूस हुए। मॉरिशस के अंदर, अब जरा मैं इंपॉर्टेंट बात पे आता हूं आज की, मॉरिशस के अंदर इंडिया का बेस अगालिगा आइलैंड के ऊपर बन गया है, लेकिन हर पॉसिबिलिटी मौजूद है कि फ्यूचर में शायद इस बेस का वही अंजाम हो जो कि आपको मालदीव्स के अंदर इंडिया के बेस का नजर आया। वो यूं कि ये वाला जो बेस है ना, ये भी उसी पैटर्न पे बना है, मोदी सरकार की जो गैर ट्रांसपेरेंट किस्म की पॉलिसीज हैं जो कि लोकल आवाम को अंधेरे में रख के जिन मुल्कों के अंदर बेस बनाते हैं
उधर के आवाम को अंधेरे में रखकर ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर जब लोगों को पता चलता है तो वहां एंटी इंडिया मूवमेंट्स स्टार्ट होती हैं। इस तरफ कोई इंडिया का जो एनालिस्ट है वो ध्यान नहीं दे रहा कि इनकी गवर्नमेंट क्या कर रही है वहां पर। भाई जब आप बेस बनाते हैं, लोगों को बताते हैं पहले कि भाई हम ये बना रहे हैं, हमारे लिए भी जरूरी है, इंडिया के लिए भी जरूरी है, इस तरह करके आपको ये माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ना, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। ये उधर जाते हैं, छुप छुपा के काम करते हैं और फिर डिनाय करते रहते हैं कई साल तक, नहीं नहीं हमारा कोई बेस नहीं, कोई हमारी मिलिट्री नहीं, फिर अचानक से ये अनाउंस कर देते हैं कि हमारा तो बेस बन गया वहां पर, हमारी तो वहां पर आ रही है, जहाज आ रहे हैं हमारे, नेवी के शिप्स आ रहे हैं। मॉरिशस के अंदर जो अगालिगा का आइलैंड पे एक इंडिया की मिलिट्री शिप्स आ रही है, नेवल शिप्स आ रही है आजकल, और वहां पर एक बेस बन गया है, इंडिया ने अनाउंस भी किया है, उनकी मीडिया ने लिखा है कि नेवल एसेट्स हमने डिप्लॉय किए हैं वहां पर। लेकिन ये वो जगह है जिसके बारे में कई साल तक मौजूदा जो इनका प्राइम मिनिस्टर है ना, वो भी कई साल तक डिनाय करता रहा रिपोर्ट्स को कि यहां पर कोई बेस नहीं बन रहा। और इसकी डिनायल की वजह यह थी कि उधर भी प्रोटेस्ट चल रहे थे, वहां की अपोजिशन भी प्रोटेस्ट कर रही थी, वहां के लोग भी कह रहे थे कि ये सॉवरेनिटी का मसला है, ये बेस क्यों बनाने दे रहे हैं आप। तो इनका जो प्राइम मिनिस्टर है लंबे अरसे तक डिनाय करता रहा है इस तरह की खबरों को कि यहां मैं बेस नहीं बना रहा हूं। लेकिन इस वक्त आप देखें कि बेस तो बन गया है। मिसाल के तौर पर आप जरा ये 5 अगस्त 2021 की खबर देखें, 2-3 साल पुरानी खबर, एनडीटीवी को मैं कोट कर रहा हूं, कहते हैं कि नो हैव नॉट अलाउड इंडिया अ मिलिट्री बेस सेज मॉरिशस। अर्लियर दिस वीक न्यूज ब्रॉडकास्टर अल जजीरा रिपोर्टेड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एयरशिप एंड 2 jetties टू हाउस एन इंडियन मिलिट्री बेस ऑन अगालिगा लोकेटेड अबाउट 1,000 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द आर्किपेलॉग्स मेन आइलैंड। तो इन्होंने पहले डिनाय किया था कि हम मिलिट्री बेस नहीं बना रहे, बल्कि इसी स्टोरी के अंदर एनडीटीवी उनका जो प्राइम मिनिस्टर है उसको कोट करते हुए कहता है कि देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन मॉरिशस एंड इंडिया फॉर द क्रिएशन ऑफ अ मिलिट्री बेस इन अगालिगा। के नारायण कम्युनिकेशन एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर परविंद जुगनाथ टोल्ड AFP, यानी कोई इंडियन बेस यहां पर नहीं बन रहा। लेकिन आप जरा 3-4 महीने पहले की इंडियन अखबार डेकन हेराल्ड की खबर देखें तो वो कहते हैं मिलिट्री बेस इंडिया बिल्ट इन मॉरिशस रेडी फॉर एसेट डिप्लॉयमेंट, इंडियन नेवी शिप विजिट्स पोर्ट लुइस स्पेस डील लाइकली। यानी ये कह रहे हैं कि मिलिट्री बेस हमारा बन गया है 3-4 साल पहले जब ये खबरें स्टार्ट हुई थी और अल जजीरा की रिपोर्ट को डिनाय किया जा रहा था। वैसे अल जजीरा की रिपोर्ट जो होती है मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूरेट होती हैं, कंफर्म होती हैं, तो ये ऐसे ही कोई चीज हवा में नहीं छाप देते, बहुत क्रेडिबल न्यूज आउटलेट है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज आउटलेट्स इन द वर्ल्ड। तो उनकी उस स्टोरी को उस वक्त रद्द किया गया कि कोई बेस नहीं बन रहा, लेकिन आप देखिए अचानक से खबरें आ गई कि देखिए हमारा बेस बन गया है वहां पर। तो इस बेस के अगेंस्ट जब शुरू में खबरें आ रही थी वहां की अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रही थी, ये मैं आपको बात बता दूं, उधर की अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रही थी। मिसाल के तौर पर आप द हिंदू की 2018 की स्टोरी देखिए कि इंडियन प्रोजेक्ट इन मॉरिशस फेसेस प्रोटेस्ट, और मजीद द हिंदू कहता है कि मॉरिशियन अपोजिशन मेंबर्स से दे विल कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट्स लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ओवर द प्रोजेक्ट एंड द फैक्ट दैट द मॉरिशियन गवर्नमेंट हैज एग्जेम्प्टेड द प्रोजेक्ट फ्रॉम एनी एनवायरमेंटल लाइसेंस प्रोसेस। तो यू सी तीन आइलैंड्स की सेम ही कहानी नजर आ रही है, एक ही कहानी नजर आ रही है तीनों आइलैंड्स के ऊपर। पहले तो हमें मालदीव्स में नजर आया शुरुआती तौर पर डिनायल कि कोई बेस नहीं, कोई हमारे बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं, फिर कंफर्मेशन कि हाँ बूट्स ऑन द ग्राउंड भी है और हमारा बेस भी है, फिर गवर्नमेंट चेंज हुई और इंडिया आउट हो गया। सेशल्स के अंदर सेम स्टोरी नजर आई, पहले डिनाय किया जाता रहा कि कोई बेस नहीं बना रहे, उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई और फिर वो जो प्लान था बेस बनाने का वो धपड़धूस हो गया एक लंबे अरसे के लिए। पता नहीं अब इंडिया वहां बनाएगा बेस नहीं बनाएगा, लेकिन कम से कम मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर बनाना मुमकिन नहीं है। मॉरिशस के अंदर वही एग्जैक्टली रिपीटेड कहानी, डिनाय किया जाता रहा कई साल तक कोई बेस नहीं बना रहे, कुछ भी नहीं हो रहा वहां पर, उसके बाद अचानक से खबरें आती हैं कि हाँ बेस बन गया है और अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रही है कि बेस क्यों बना है। तो इस बेस का क्या फ्यूचर होगा अगर ये प्रोटेस्ट करने वाले लोग गवर्नमेंट में आ गए तो, मतलब ये रहेगा अपनी जगह पे या मालदीव्स और सेशल्स वाला हाल होगा, इस पे लोगों को सोचना चाहिए इंडिया के अंदर। बुनियादी तौर पर ये तरीके कार ही गलत है जिस तरीके से मोदी सरकार ने इतने बड़े बड़े डिसीशंस लिए हैं अंधेरे में रखकर। देखें वहां पर आप इतने बड़े जो काम कर रहे होते हैं ना उसके लिए नेशनल कंसेंसस चाहिए होता है और उसमें आपको अपोजिशन पार्टियों की भी हिमायत दरकार होती है कि अगर वो भी गवर्नमेंट में आ जाए तो ये प्रोजेक्ट अपनी जगह पर रहे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये कोई गलत बात है,
इंडिया की सिक्योरिटी के लिए अगर जरूरी है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत कर रहे हैं। ठीक है, हर मुल्क की अपनी मर्जी है, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए जो बेहतर समझता है करे, लेकिन उस चीज को करने का तरीकेकार बेसिकली गलत है, गैर पायदार है, आगे उतना ज्यादा उसकी लाइफ नहीं होती। फिर वो सेटबैक मिलता है, जब गवर्नमेंट चेंज होती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, तो सेटबैक मिलता है। तो ये पुराने जमाने की पॉलिसीज हैं और बीजेपी उन्हीं पॉलिसीज को, पुराने जमाने की पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि ये जो पॉलिसीज हैं, ये काम भी नहीं कर रही होती है, सिर्फ गवर्नमेंट चेंज होने की देर होती है। वहां के लोग किसी और को जब पावर में लेकर आते हैं, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ही धपड़दूस हो जाते हैं। लिहाजा देयर इज समथिंग ग्रॉसली रॉन्ग हियर, और इसको मेरे ख्याल से चेंज करने की जरूरत है। जो इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इंडिया लगा रहा होता है, उसमें कंसेंसस पहले वो डेवलप करें उस मुल्क के अंदर, और फिर अगर उसमें हाथ डालें प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो ज्यादा बेहतर होगा उनके लिए।